मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के श्री कृष्ण विराजमान के दावे को खारिज किया है मथुरा की सिविल कोर्ट ने। अब से थोड़ी देर पहले यह फैसला आया सिविल कोर्ट का, श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर सुनवाई को खारिज कर दिया गया है। यानी कि एक अपील जो दाखिल की गई थी कि श्री कृष्ण विराजमान जो कि 13.37 एकड़ की जो जमीन है उसके मालिकाना हक को लेकर के एक अर्जी दाखिल की गई थी कि इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाए, लेकिन सुनवाई हुई इस मामले को लेकर के कि क्या इस याचिका पर सुनवाई आगे की जा सकती है या नहीं की जा सकती। यानी कि अदालती प्रक्रिया जो होती है उसमें जब कोई अपील दाखिल की जाती है तो सबसे पहले अदालत ये तय करती है कि क्या इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाए, क्या इस पर सुनवाई बनती है या नहीं बनती है। मथुरा के सिविल कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया सुनवाई के बाद में कि इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। ईदगाह हटाने को लेकर के जो बात दाखिल किया गया था उसे खारिज कर दिया गया। आइए आपको सुनवाते हैं इस फैसले के बाद में क्या कहा गया। ने हमारी सुनवाई पूरा हमने पूरा रखा था सारा मामला, लेकिन वाद माननीय न्यायालय ने कहा कि इसमें सारी चीज़ें वाद को मतलब एक्सेप्ट करने का पूरा कारण नहीं पाया जाता है, इसलिए वाद को खारिज किया जाता है। अब इसके लिए हम हाई कोर्ट में शरण लेंगे, इसके हाई कोर्ट में हम इसका अपील करेंगे और देखते हैं कि वहाँ पर हमें न्याय मिलेगा।